एंड वेलकम टू दी हाई प्रिसेस थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन आई होप आप सब लोग खुश हो अपना ख्याल रख रहे हो एंड यू आर फीलिंग ब्यूटिफुल सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक जेनरल रीडिंग के साथ आज मैं बात करूँगी मेरे केप्रिकॉर्न के बारे में सो so, अगर आपके चार्ट में कहीं पर भी केप्रिकॉर्न है आपका सन मून राइजिंग वीनस साइन आप ये रीडिंग देख सकते हैं बट याद रखना ये रीडिंग एक बहुत ही जेनरल रीडिंग है सो so, ये हर एक केप्रिकॉर्न को शायद रेजनेट ना करें एंड ये रीडिंग है आपका दिसंबर फिफ्टींथ से लेके दिसंबर थर्टी फर्स्ट तक टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे आप वहाँ से जाके देख सकते हैं ओके सो केपरकॉन्स लेट अस सी केपरकॉन्स इन लव ओके वी हैव नाइन ऑफ कप्स इन रिवर्स Eight of Pentacles in Reverse Ace of Swords in Reverse These cards so So, Nine of Pentacles in Reverse Eight of Pentacles in Reverse and the Ace of Swords in Reverse Okay, Capricorns in Love Seven of Pentacles Capricorns in Love आई एम आई एम हियरिंग डिसहार्टनिंग सो आप मे बी बहुत होपलेस फील कर रहे हैं अपने सिचुएशन में अपने लव सिचुएशन में या फिर आपके एक्सपेक्टेशन्स बहुत हाई थे किसी रिलेशनशिप कनेक्शन या पर्सन को लेके ओके चैरियट नाइन ऑफ वॉन्स Four of Cups and Eight of Wands. Okay, bottom deck energy hai apka knight of swords. Hmm. So what I can really see here, Capricorn is फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे सैटिस्फाइड नहीं हो या फिर आप बहुत ज़्यादा आपका एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुआ है यहाँ पे किसी कारण से आई फील आप बेसिकली एक सिचुएशन में एक पर्सन के साथ या तो एक रिलेशनशिप में एक कनेक्शन में आप बेसिकली वर्क करना चाहते थे आप चाहते थे कि आपके पर्सन भी इक्वल एफर्ट्स लगाए या इक्वली उस रिलेशनशिप को आगे लेके जाए मे बी आपने सोचा था कि ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है ये मे बी मैरिज मटेरियल है या फिर इनके साथ आप एक अपना फ्यूचर देख सकते हो एक स्टेबिलिटी देख सकते हो आपके होप्स जो थे आपके एक्सपेक्टेशंस जो थे इस पर्सन के लिए वो बहुत ज़्यादा हाई थे बट आई थिंक धीरे धीरे आपको ऐसा लगा या फिर अभी लग रहा है दैट आप जितना सोचे थे ये पर्सन उतने भी ज़्यादा परफेक्ट शायद नहीं है या फिर आपके जितने एक्सपेक्टेशंस थे इस पर्सन से कि ये मेरे लिए um, कुछ करेंगे या फिर ये मेरे लिए फाइट करेंगे या फिर ये मेरा साइड लेंगे या ये मेरे परफेक्ट पार्टनर है परफेक्ट सोलमेट है um, या ये भी सीरियस है मेरे बारे में सो आई थिंक आपको वो फीलिंग होने लगा कि ये पर्सन आपके लिए वो आपका ड्रीम पर्सन नहीं बन सकते या फिर रियलिटी कुछ और है बिकॉज आई थिंक आप एक एक्सपेक्टेशन uh, के दुनिया में जी रहे थे या फिर आप एक ड्रीम लैंड में जी रहे थे आपको ऐसा लगता है जहाँ पे आप बहुत कुछ सोच लिए थे आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट किए थे आपने सपने देखे थे मे बी ये पर्सन uh, आपको सपने दिखाए थे मे बी इन्होंने आपसे कहा था कि uh, ऐसा होगा वैसा होगा या फिर हमारा फ्यूचर ये है मे बी इन्होंने दिखाया था मे बी आप खुद एक्सपेक्ट कर रहे थे um, बट आपको ये रियलाइजेशन हुआ है या फिर आपको ऐसा लग रहा है अंदर से कि रियालिटी uh, कुछ अलग ही है सच्चाई कुछ अलग है मे बी आपको कुछ पता चला है इस पर्सन के बारे में या फिर आपका ये रियलाइजेशन है अंदर से uh, कुछ लोगों के लिए आपको बाहर से कुछ पता चला है मे बी um, आपने कुछ देख लिया हो आपने कुछ सुन लिया हो या ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे थे जो uh, आपको पता चल गया हो समथिंग लाइक दैट या बट डेफिनेटली um, आप धीरे धीरे करके गिव अप कर रहे हैं इस सिचुएशन में इस कनेक्शन में आपको लग रहा है कि आपने जितना करना था आपने किया आपने बहुत एफर्ट्स दिए हैं आपने बहुत कोशिश किया है बट सिंस आपको uh, दूसरे पर्सन से वो कोशिश वो एफर्ट नहीं दिख रही हैं आप बेसिकली गिव अप कर रहे हैं आप बेसिकली सोच रहे हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बच सकता या फिर सिर्फ आपके मेहनत करने से आपके चाहने से या फिर आपके एक्सपेक्टेशंस रखने से चीज़ें चेंज नहीं हो जाएंगे सो so आप काइंड ऑफ गिव अप कर रहे हो एंड बेसिकली आप Uh, इस सिचुएशन में हो जहाँ पे यू आर कन्फ्यूज आप डेफिनेटली ओवर थिंक कर रहे हो इस सिचुएशन को लेके बिकॉज आई फील यहाँ पे आप बहुत सारे रेड फ्लैग्स थे जो आपने पास्ट में मे भी अनदेखा किया है बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो आप देख के भी अनदेखा करते थे या फिर आपको बुरा लगता था फिर भी आप चुप रहते थे, थे या फिर आप बस आप बस हजम कर लिए वो डिसरेस्पेक्ट्स या फिर वो बुरा बिहेवियर या फिर टेकन फॉर ग्रांटेड वाला एटीट्यूड यहाँ पे कुछ था जो आपने बर्दाश्त कर लिया था बहुत दिनों से आप बर्दाश्त करते आए हैं चाहे ये उनकी तरफ से हो अगर यू अगर आप मैरिड हैं मे बी उनके फैमिली की तरफ से या ओवरऑल जो सिचुएशन है आप हमेशा सेक्रीफाइस करते रहें आप हमेशा आ, कोशिश करते रहें एफर्ट देते रहे बट अभी आप रियलाइज कर रहे हो कि आपको सामने से एफर्ट नहीं मिल रहा है आपको सामने से वो एफर्ट नहीं मिल रहा है जो आप दे रहे थे इस सिचुएशन में सो so यहाँ पे कुछ लोग बेसिकली आप कंफ्यूज्ड हो आप अभी भी चाहते हो इस पर्सन को आप अभी भी अटैच्ड हो इस पर्सन से मे बी इमोशनली अटैच हो इस पर्सन से या आप कुछ एक्शन चाहते हो बट आपने आप ये बेसिकली ये सोच रहे हो कि सिंस ये पर्सन खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं सो so आप क्यों करोगे आप डिटरमाइंड हो कि हाँ मुझे अभी भी ये ये चाहिए ये रिलेशनशिप चाहिए ये पर्सन चाहिए बट ऐसे नहीं जो प्रेजेंट में है लाइक आप चाहते हो कि ये पर्सन वही करे जो आप चाहते हो बेसिकली लाइक like, अगर आप सीरियस uh, हो इस रिलेशनशिप में आप चाहते हो आपके पर्सन भी सेम सीरियसनेस दिखाए अगर आप लॉयल हो आप चाहते हो आपके पर्सन भी सेम लॉयल्टी दिखाए अगर आप क्लियरली बात करना चाहते हो आप ये भी चाहते हो कि आपके पर्सन भी क्लियरली बात करें आपसे बट सिंस ये पर्सन खुद से कुछ नहीं कर रहे हैं या फिर ये पर्सन आपके एक्सपेक्टेशंस पे खड़े नहीं उतर रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ टाइम कि आप थोड़ा सा पॉज लें अपनी सिचुएशन में आप थोड़ा सा रुक जाए एंड चीज़ों को दोबारा सोचें चीज़ों को दोबारा इवेल्यूएट करें एंड कुछ लोग ऑलरेडी सोच रहे हो कि क्या आपको अभी भी इस सिचुएशन में इस पर्सन के साथ टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहिए या कम्प्लीटली मूव ऑन करना चाहिए कम्प्लीटली होप छोड़ देना चाहिए इस पर्सन के ऊपर से कि ये नहीं हो सकता या फिर मैं ऐसे नहीं रह सकती या नहीं रह सकता सो आई एम जस्ट लिविंग ओके सो यहाँ पर दो टाइप के एनर्जी है कुछ लोग थोड़ा सा पॉज लेके देख रहे हो कि क्या ये पर्सन सच में कुछ एक्शन लेंगे या नहीं या फिर क्या ये खुद से चेंज करते हैं या नहीं सिचुएशन को एंड कुछ लोग बेसिकली बस आप कंफ्यूज्ड हो आप एक डिसीजन लेना चाहते हो कि आ, क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या क्या आपको अभी भी थोड़ा सा वेट करके देखना चाहिए अस uh, सी आपके पर्सन के करंट एनर्जीज क्या है Apricorn. पेज ऑफ पेंटिकल्स नाइट ऑफ कप्स पेज ऑफ सो यहाँ पे बहुत सारा पेजेस है नाइट्स है आई फील ये पर्सन बहुत इमेच्योर है इमोशनली ये पर्सन आपके जितना मेच्योर नहीं है जब बात आती है इनके इमोशंस पे ना एज uh, से मेच्योरिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है यू नो वेट िटी okay. Okay, um, so का फर्क नहीं पड़ता है एज इंसान का कुछ भी हो बट आई थिंक ये पर्सन इमोशनली um, थोड़े से इमेच्योर है अभी भी एटलीस्ट आपसे um, ये पर्सन जल्दबाजी में काम लेते हैं यूजली या ले रहे हैं बिना सोचे समझे बिना चीजों को इवेलुएट किए मे बी इन्होंने गुस्से में आके आपको कुछ कह दिया या फिर अगर आप सेपरेटेड हो इस पर्सन से मे बी आप ये पर्सन इमेच्योरली बिहेव कर रहे जो आपको इरिटेट कर रहा है बदले में वी हैव द वर्ल्ड एट ऑफ सो सिक्स ओके आपका बॉटम डेक एनर्जी है अगेन द पेज ऑफ वॉन्ड सो so, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेजेस का एनर्जी है इसीलिए मैंने कहा कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योरली एक्ट कर रहे हैं इस सिचुएशन में और आई एम सीइंग हियर इज डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक एंडिंग हुआ है यहाँ पे एक साइकिल um, क्लोज हुआ है आप दोनों <laughs> एक साइकिल क्लोज हुआ है आप दोनों के बीच में एंड कुछ लोगों के लिए अगर आपको आपका एंडिंग हुआ नहीं है आई थिंक आपका सिचुएशन काफी ज्यादा पॉज है आपको इस सिचुएशन में ज्यादा मूवमेंट्स नहीं दिख रहे हैं um, आपकी रिलेशनशिप में ओवरऑल मे बी आपके पर्सन के साइड से बट टू बी ऑनेस्ट आपके पर्सन डेफिनेटली आपको मिस करते हैं आपके पर्सन डेफिनेटली आपको याद करते हैं इवन दो आपको लगे कि ये पर्सन श्योर sure नहीं है या फिर ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं ऑल्सो हो सकता है ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं या फिर मे बी दूसरे लोगों से पूछते हैं आपके बारे में या मे बी सोशल मीडिया से स्टॉप करते हैं आपका आई एम ऑल्सो हियरिंग ड्रीमिंग सो मे बी ये पर्सन ड्रीम्स देख रहे हैं आपके बारे में या पास्ट मेमोरीज के बारे में सो ये पर्सन डेफिनेटली आपको मिस करते हैं या याद करते हैं आपके मेमोरीज आपके मोमेंट्स आपके जो बातें हुआ था सब कुछ एंड आई थिंक ये पर्सन भी एक्शंस चाहते हैं ये पर्सन भी सिचुएशन में थोड़ा मूवमेंट चाहते हैं आपके साथ बट इस पर्सन का जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर है ये पर्सन का जो थॉट प्रोसेस है इस वक्त बहुत ज़्यादा इमेच्योर है जिस कारण से और भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं या फिर जिस कारण से ये मूवमेंट आपको नहीं दिख रहा है अभी भी बिकॉज़ आपके पर्सन का जो एनर्जी है वो वो बहुत अनसर्टन है लाइक like, एक टाइम पर वो चाहते हैं कि हाँ मैं अभी बात करता हूँ इस पर्सन से एंड दूसरा मिनट में ही वो सोचते हैं कि नहीं लाइक like, उसने मुझसे बात नहीं किया तो मैं भी नहीं करूँगा या फिर um, मे बी उनका ईगो बीच में आ रहा है यू you नो know, बहुत मिसान्डरस्टेंडिंग uh, या बचकानी हरकतें इमेच्योर चीज़ें इमेच्योर थाट्स बीच में आ रहा है जो इस पर्सन को रोक रहा है प्रोग्रेस करने में बट आई थिंक इस पर्सन का जो इंटेंशन है वो um, अभी भी आपके साथ वो एक कुछ चाहते हैं मूवमेंट या फिर कम्यूनिकेशन um, या कुछ कुछ मूवमेंट्स यू नो बट इनको और भी मेच्योर होना बहुत ज़रूरी है इनके लिए मेचोरली सोचना बहुत ज़रूरी है इनके लिए लाइक like, प्रॉपरली uh, एक मेच्योर पर्सन की तरह रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना इस सिचुएशन का या फिर इस कॉन्फ्लिक्ट का कि हाँ बैठ के बात करते हैं या फिर आई एम टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मूव दिस फॉरवर्ड या कुछ एक यू नो मेचोर मूव बेसिकली मुझे ये करते हुए नहीं दिख रहे हैं बट आई एम गेटिंग दी एनर्जी कि ये पर्सन फ्यूचर में आपको कॉन्टैक्ट करेंगे या फिर फ्यूचर में कोशिश करेंगे मे बी एक कम्युनिकेशन करने की ओके कम्युनिकेशन आई थिंक वापस चालू हो जाएगा आप दोनों के बीच में फ्यूचर में बट जब ये पर्सन फर्स्ट आपको कांटेक्ट करे ये मत सोचना कि ये पर्सन कुछ मेच्योर बोलेंगे या फिर आ, आपको क्लैरिटी देने के लिए बात करेंगे आई थिंक बहुत इमेच्योर कुछ होगा मे बी एक्सक्यूजेस मारेंगे या फिर आ, ऐसा बिहेव करेंगे इफ कुछ हुआ ही नहीं या फिर यू नो जस्ट रैंडमली बात करेंगे जो आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है जो आपको थोड़ा सा फ्रस्टेटिंग लग सकता है कि लाइक आप इतना ओवर थिंक हो आप इतना टेंशन में हो आप इतना एंशियस हो बट ये पर्सन को फर्क नहीं पड़ता या फिर ये पर्सन इतने कैजुअल है इतने नॉर्मल है कैसे यू नो दैट इज द काइंड ऑफ एनर्जी एंड फॉर आपके जो जोरिया साइंस है उसके लिए यहाँ पे सारे हैं आई थिंक पाइसिस कैंसकॉपियो जेमिनाइली ब्रेक्वेरियस टोरोसोगो कीपिकॉर्न या ओके, सो लेट सी आपका फ्यूचर सॉरी डिसम्बर करियर फाइनेंसेस आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो के प्रॉन्स वाह टेन ऑफ पेंटिकल्स करियर एंड फाइनेंस फोर ऑफ पेंटिकल्स The Emperor Judgment Capricorns Career and Finances. Okay, Queen of Pentacles. Hmm. I'll take this. Two of Swords. Four of Cups. ओके आपका बॉटम लैक एनर्जी है द ईर ऑफ पेंटिकल्स सो आई एम सींग हार्ड वर्क आप डेफिनेटली यहाँ पे हार्ड वर्क करो आप डेफिनेटली यहाँ पे अलॉट ऑफ मे बी आपका जो जो भी आप करते हो बेसिकली बिजनेस जॉब वगैरह जो भी करते हो उसमें आप काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड हो ये मंथ में लाइक like, आप बहुत सारे डिसीशंस ले रहे हो मे बी इंपॉर्टेंट डिसीशंस एंड आप बेसिकली सब कुछ कंट्रोल में रख रहे हो अगर आपको ओवर टाइम करना पड़ रहा है आप कर रहे हो लाइक like, आप बहुत मोटिवेटेड रहोगे आपको वो मोटिवेशन फ़ील होगा एंड सिंस आप ये हार्ड वर्क दोगे सिंस आप ये मोटिवेशन को फील करोगे एंड आप बेसिकली सब कंट्रोल करोगे लाइक like, आप बहुत ज़्यादा वर्किंग मोड में रहोगे यू नो वर्क हाले काइंड ऑफ अ पर्सन जो लोग है यहाँ पे उन लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम है आई थिंक आप बहुत ज़्यादा वर्किंग मोड में रहोगे जिस कारण से आप प्रॉफिट्स देख पाओगे जिस कारण से आप रिजल्ट देख पाओगे ना अगर आप बिजनेस करते हो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स देख पाओगे अगर आप पढ़ाई करते हो मे भी आप अच्छे रिजल्ट्स देख पाओगे या प्रोग्रेस देख पाओगे या अगर आप कुछ कुछ भी परस्यू कर रहे हो कुछ भी करियर में हो आप कुछ अगर आप क्रिएटिव करते हो डांसिंग वगैरह उसमें भी आप बहुत सारा प्रोग्रेस देख पाओगे मूवमेंट्स देख पाओगे चेंजेस जो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा और भी नॉलेज देगा सो एम सीइंग आप ऑल लाइक और भी प्रोग्रेस करो लाइक like, आप आगे बढ़ रहे हो आप एक स्टेप एक स्टेप करके सामने जा रहे हो आप जिस भी करियर में हो या आप जो भी करते हो यू नो फशली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप एक लमसम अमाउंट आपको मिलने वाला है या फिर आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है समथिंग जो बहुत कीमती हो या बहुत इम्पोर्टेंट हो कुछ आई एम हियरिंग इम्पोर्टेंट कुछ मे बी आप कुछ चीज़ चाह रहे थे कि काश मेरे पास भी एक आ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लैपटॉप नहीं था बहुत दिनों से मन कर रहा था कि काश मेरे पास भी एक लैपटॉप होता काश ऐसा होता आई एम सींग कुछ लोगों के लिए मे बी आपको कोई गिफ्ट में मिले लैपटॉप या फिर किसी लकी ड्रॉ में मिले या फिर आप फाइनली वो परचेज कर रहे हो सो so, एक स्टेप अप हो रहा है आपकी जिंदगी में आई फील ओके बट द मेन मैसेज हेयर इज कि डोंट गिव आप लाइक हर एक um, जो ऑफर्स होंगे या फिर हर एक जो स्टेप आप लोगे शायद हर एक स्टेप सक्सेसफुल ना हो बट अगर आई एम सीइंग अगर आप एक स्टेप सामने लोगे uh, आप ऑबियसली सामने जाओगे बट अगर आप एक स्टेप में फेल हो गए इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे रुक जाओगे आप वापस से स्टेप लेना पड़ेगा आपको आपको जानना आपको जानते रहना पड़ेगा यू नो आप गिव अप नहीं कर सकते आप गिव अप नहीं कर सकते दैट इज़ वॉट एम हियरिंग बिकॉज अगर आप गिव अप कर दिए आपको ये टेन ऑफ पेंटिकल्स वाला सिचुएशन नहीं मिलेगा आपको ये सक्सेस नहीं मिलेगा एंड ये जो सक्सेस है ये अल्टीमेट सक्सेस है ये बहुत हार्ड um, वर्क देने के बाद जो सक्सेस आता है जो फाइनल ग्लो अप आता है जो फाइनल स्टेप अप आता है पर्सन के लाइफ में ये वो है सो so अगर आप वर्क करते रहोगे इवन दो मे बी कुछ दिन कुछ दिन ऐसे आएंगे जब आपको मन ही ना करे हार्डवर्क करने का मन ही ना करे उठ के काम करने का पढ़ाई करने का या फिर कुछ भी करने का जो भी आप करते हो बेसिकली बट uh, आपको फिर भी करना है मे बी आपको रिजेक्शंस भी मिल सकता है मे बी बिजनेस में मे बी करियर में मे बी कॉलेजेस में जो भी जहाँ भी आ, कुछ रिजेक्शन आपके सामने आ सकते हैं बट ये हमेशा याद रखना कि वो रिजेक्शन आपके लिए एक एग्ज़ाम जैसा है वो एक टेस्ट है कि क्या आप गिवअप कर दोगे या फिर भी आप रिजेक्ट होने के बाद भी आप कोशिश करते रहोगे बिकॉज आई एम सींग लॉर ऑफ पावर अ लॉर ऑफ पावर आप एक बहुत पावरफुल माइंड सेट में हो इस वक्त के प्रिकॉन सो so अगर आप इस पावरफुल माइंड सेट को यूटिलाइज कर पाओगे यू you नो know, आप बेसिकली बहुत कुछ अचीव कर सकते हो आप बहुत कुछ कर सकते हो ओके सो ये याद रखना कि आप अपने पावर को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हो आप इस पावरफुल माइंडसेट को प्रॉपरली अपने काम पे लगा रहे हो ताकि आप बेसिकली सक्सेस uh, देख पाओ अपनी लाइफ में ओके okay? hmm. आई एम ऑल्सो हियरिंग डिसंस सो अगर आपको कुछ डिसीशंस लेना है यू कैन टेक डिसंस बट यू आर इन योर पावर की प्रिकॉन सो कॉन्फिडेंस इज द की आपको कॉन्फिडेंट रहना है जो भी आप करो जो भी आप डिसीशन लो जो भी आप अचीव करो, करो लाइफ में आपको कॉन्फिडेंट रहना है दैट इज वर आई एम हियरिंग ओके ऐसी फ्री ऑफ सोर्ट्स यह जनरल मैसेजेस है आपका General messages for my Capricorns, Page of Cups, Eight of Cups, Four of Wands. General messages for my Capricorns. of of Wands. Hmm. I'm seeing a lot progress, progress. overall आपका एक एंड आप दूसरे साइकिल में मूव कर रहे हो वी हैव द फूल कुछ नया डिफरेंट साइकिल पेज ऑफ सो यूनिवर्स बॉटम डेक एनर्जी है आपका द फोर ऑफ सोट्सोन आई थिंक अलॉर ऑफ हीलिंग हो रहा है आपके लाइफ में ना दिस हीलिंग कैन बी एनी थिंग ये हीलिंग हो सकता है आपके लव सिचुएशन में आपके फ्रेंडशिप्स में या फिर आपके ओवरऑल मे बी फैमिली सिचुएशन में जहाँ भी आपको ये हीलिंग ज़रूरत था आपको um, बिकॉज यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे एंड आई थिंक ये हीलिंग जो है ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है मे बी आपके कुछ ट्रामाज हैं जो आप कैरी कर रहे हैं कुछ फ़ियर्स हैं या फिर ओवरऑल आपके लाइफ में कहाँ लाइक कहीं पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था मे बी आपके किसी फ्रेंड के साथ मे बी आपके किसी पार्टनर के साथ किसी हस्बैंड या वाइफ के साथ या इन जनरल अपने पर्सनल लाइफ में फैमिली में मे uh, बी कुछ बॉसिस के साथ एम्प्लॉयज़ के साथ कुछ भी हो सकता है सो so, I see a lot of healing happening. Uh, यहाँ पे आप like uh, जो ego का fight था अगर आपके साथ कोई ego fight Uh, हो रहा था किसी के साथ आई थिंक वो हील होने वाला है अगर ये कोई पुराना फ्रेंड है जिसके साथ आप अच्छे से बात नहीं करते हो या दोनों uh, ख़राब टर्म्स में हो अच्छे टर्म्स में नहीं हो एक दूसरे के साथ आई थिंक वो हील हो रहा है अगर ये आपका कोई फैमिली मेम्बर है जिसके साथ आप लाइक like, अच्छे टर्म्स में नहीं हो वो हील हो रहा है सो so ये जो भी है ये इमोशनल है आई फील एंड दिस इज़ हीलिंग जो बॉन्ड्स है बेसिकली फैमिली बॉन्डिंग फ्रेंडशिप बॉन्डिंग्स रोमांटिक बॉन्डिंग्स जो भी बॉन्डिंग्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है इन द फ्यूचर आपके लिए जो बहुत ब्यूटिफुल है बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड आई थिंक ये जो भी लोग है ये इम्पोर्टेंट लोग है जिसके साथ आपका ये हीलिंग हो रहा है ये कोई नॉर्मल लोग नहीं है या फिर ये कोई ऐसे लोग नहीं है जिसके साथ आपको फर्क भी नहीं पड़ता है सो so ये बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं आपके लाइफ में मे बी जिनके साथ आपका कनेक्शन uh, टूट गया है या फिर आप बात नहीं करते हो या फिर मे बी कुछ झगड़ा झमेला हुआ था यू नो दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी so I'm 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 also seeing ki with the eight of cups एयर एंड फोर ऑफ वहाँ पे आप बेसिकली uh, उन सारे situations को let go कर रहे हो maybe बी जो आप बहुत um, बहुत दिनों से पकड़े हुए थे या बहुत दिनों से आप ठीक करने की कोशिश कर रहे थे मे बी um, या फिर जो भी आपके लिए सही नहीं थे लेट इस दिस वे जो भी आपके लिए सही नहीं थे ना हो सकता है मे बी आपके लाइफ में कुछ um, ऐसा सिचुएशन था मे बी एक जॉब था जो आप कर रहे थे कर रहे थे बट आप खुश नहीं थे आप सेटिस्फाइड नहीं थे बट आप कॉन्फिडेंट भी नहीं थे कि क्या मैं कुछ और कर पाऊँगी या फिर क्या मैं ये जॉब छोड़ पाऊँगी क्या मैं कुछ बेटर कर पाऊंगी आई थिंक आप फाइनली वो डिसीजन ले रहे हो एंड आप फाइनली उन सारे चीज़ों से बाहर निकल रहे हो टू वर्ड्स पॉजिटिविटी टू वर्ड्स समथिंग बेटर जो आपके लिए सही है जो आपके आपके लिए हैप्पी है जो आपको हैप्पीनेस देता है ये नहीं कि आप मजबूर है इसीलिए करते हैं या फिर ये नहीं कि आप फ्रस्ट्रेटेड है बट फिर भी आप कर रहे हैं या आ, आपके लाइफ में कोई में भी ऐसा फ्रेंड है जो आपके लिए एकदम टॉक्सिक है जो हमेशा में भी आपको लाइक इंसल्ट करते हैं या फिर आपको नीचा दिखाते हैं आपके लाइक मेंटली आपको स्ट्रेस आउट कर देते हैं आई थिंक आप फाइनली उन सारी चीज़ों को निकाल रहे हो अपनी लाइफ से ये चाहे ये लोग हो, चाहे ये चीज़ें हो, चाहे ये सिचुएशन हो ये जो भी हो सो एंड ऑल्सो सिंस आप ये कर रहे हो कॉन्फिडेंटली कर रहे हो आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इज़ कमिंग इन अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इज़ कमिंग इन जो आप बहुत दिनों से चाहते थे एंड जैसा कि मैं शफल करने के वक्त कह रही थी कि ये डेफिनेटली आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग है एंड ये न्यू बिगिनिंग जो है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड ये आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा मे बी आप अपने लाइफ में कॉन्फिडेंस लैक करते थे या फिर आपको ऐसा लगता है कि um, कि आपके पास वो कॉन्फिडेंस अब नहीं रहा जो पहले था या फिर आप कॉन्फिडेंट बस फील नहीं कर रहे हो आई थिंक ये न्यू साइकिल ये न्यू बिगेिंग आपके लिए बहुत कॉन्फिडेंट uh, होगा आपके लिए बहुत पावरफुल होगा सो डू योर थिंग यू नो केपिकॉन आपको डरना नहीं है दिस इज़ योर टाइम टू शाइन बेसिकली एंड कॉन्फिडेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बिकॉज आई एम हियरिंग कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बार बार सो समथिंग अबाउट द कॉन्फिडेंस ओके सो लेटे सी आपका गाइडेंस क्या है क्यों पी कौन ओके ट्रांसफॉर्मेशन Transformation, a fresh new way of living लिविंग emerges. See? That is what I was saying से एक नया cycle begin हो रहा है एक नया cycle start हो रहा है जहाँ पर सब कुछ नया है आपके लिए जहाँ पे clean slate है आपके सामने and आप उसको जैसा बनान बनाओगे वो वैसा होगा आपके पास पावर होगा आपके पास कॉन्फिडेंस होगा अगर आप उसको अपने बेनिफिट पे लगा पाए देन आपके लिए सक्सेस है अगर आप उसको वेस्ट कर दिए देन ऑब्वियसली आपके लिए लॉस है सो so ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है कैप्रिकॉन्स आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो आप लाइक like, चेंजेस हो रहा है आपके आसपास एंड पॉजिटिव चेंजेस आपको हेल्प करने के लिए आपको पुश करने के लिए सामने ताकि आप और भी सक्सेस देख पाओ आप सामने मूव कर पाओ अपनी लाइफ में ओके okay? Okay so that is what I have for you Capricorns and also month May birthday start Hongge so a very, very happy birthday to you and also um, try to get this transformation done and I think aapka time already raha hai. so uh, enjoy it and have a very amazing birthday. And thank you so much for watching. सो so, मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर एंड अगर आपको अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए एंड ऑल द वेरी बेस्ट मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बाय